आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। विपक्षी दलों के द्वारा भाजपा के दलित विरोधी होने के बयान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया पलटवार। कहा, पहले की सरकारों ने दलित गरीबों की जमीनों पर किया था कब्जा, जबरिया चलवाते थे मकानों पर बुलडोजर। भाजपा सरकार में 43 लाख लोगों को मिला आवास, सभी वर्गों को एक समान योजनाओं का मिला लाभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के दलित कार्यकर्ता अमृतलाल भारती के झुंगिया स्थित घर पर पहुंचकर खिचड़ी सहभोज कार्यक्रम में लिया प्रतिभाग, खाया खिचड़ी। प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की दी बधाई व शुभकामना। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए जिला प्रशासन की तैयारी है पूरी। जिलाधिकारी ने कहा, 3000 बेड की है व्यवस्था, एक दिन में 9000 से ज्यादा का हो रहा है कोविड का टेस्ट। नागरिकों से की अपील, अवश्य करवाएं वैक्सीनेशन, मास्क का करें प्रयोग। मकर संक्रांति पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन की तैयारी हुई पूरी। सीओ मंदिर सुरक्षा ने कहा, मकर संक्रांति को संपन्न कराने के लिए बाहरी जनपदों से पुलिस कर्मियों की लगाई गई है ड्यूटी। बिना मास्क के मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को मास्क का किया जा रहा है वितरण। शुक्रवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 343 केंद्रों पर 50,102 लोगों को किया गया कोविड का टीकाकरण। फर्स्ट डोज लेने वालों में 36,063 लोग तथा सेकंड डोज लेने वालों में 10,583 लोग रहे शामिल। एसीएमओ ने कहा, कोविड प्रोटोकॉल का करें पालन, लगाएं मास्क, करें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। समाजवादी पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष व नवनियुक्त महानगर अध्यक्ष का कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष ने पार्टी कार्यालय में वर्चुअल चुनाव प्रचार के वॉर रूम का किया उद्घाटन। कहा, जूम ऐप के माध्यम से नगर और जिला के सभी विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। गोरखपुर में शुक्रवार को पाए गए 458 नए कोरोना संक्रमित मरीज, 2000 के पार पहुंचे संक्रमितों की संख्या। जिले में एक्टिव केस की संख्या हुई 2140। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने की पुष्टि। और मकर संक्रांति पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए श्रद्धालुओं को मंदिर में हिंदू वाहिनी कैंप लगाकर कोविड नियमों के प्रति कर रही है जागरूक। श्रद्धालुओं को मास्क का किया जा रहा है वितरण। हिंदू वाहिनी के प्रदेश महामंत्री ने दी जानकारी। कहा, पिछड़े श्रद्धालुओं को मिलाने का भी काम कर रही है हिंदू वाहिनी।